साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। देशर विभिन्न राज्य रे एवं भिन्न भिन्न अंचल रे वर्षे तमाम चलिला एक युद्ध। ए लड़ाई रे सरकार उए माटीर चासी पुओ माने आमना सामने हेथिले। केते जे जीवन गला, केते जे संघर्ष हला, हेले निजर दाबी पई मुंडो नुआई नथिले चासी भाई माने। किंतु जेउ भी मूल्यवान जीवन जाइछि तार हिसाब सरकार को पाखरे नाही। कृषि आईन विरोध रे आंदोलन समय 700 रु अधिक कृषकंकर मृत्यु होइछि बोली चासी नेता माने दाबी करुछन्ति। किंतु आंदोलन समय रे कृषकंक मृत्यु संक्रांत रे सरकारंक पाखरे कोनोसी तथ्य नाही बोली केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसद रे बयान दैछन्ति। देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए, वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। अन्य पटे कृषि संगठन रो दावी जे MSP रो गारंटी देउतबा आईन तैयारी हो, वही मृत चासी मानंकु क्षतिपूरण दिया जाउ। प्राय 700 रु अधिक कृषकंक मृत्युर प्रमाण चासी संगठन पाखरे अछि, किंतु तथापि सेमानंकु न्याय मिलु नाही। बिल्कुल बोला कि 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को यह लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश को अलग मानते हैं किसानों को उससे। कृषकों का आंदोलन समय रे मृत्यु वरण करथिबा चासी को संपर्क रे किछि भी सूचना नहीं बोली केंद्र सरकार कहि चलिछन्ति। एई भली परिस्थिति रे आर्थिक सहायता अर्थात काहाको क्षतिपूरण देबा रो प्रश्न ही उठुना। कृषकंक परिवार सदस्यंकु क्षतिपूरण देबा संक्रांत रे विरोधी दल नेतांक एक प्रश्नर उत्तर दे कृषि मंत्री तोमर कहिछन्ति जे सरकारंक पाखरे एहार कोनोसी भी डाटा नाही जे केते चासींकर मृत्यु होइछि। ताहेले सरकार क्षतिपूरण काहाको ओ केउ आधार रे देबे? हेले आंदोलनरत कृषक माने आंदोलन जारी रखिबार जिद धरि बसछन्ति। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा 3 कृषि कानून को फेरस्त नेबार घोषणा परे संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखिथिले जेउथिरे सेमानकर 6 दाबी रहितला जहां एजाए पूरा हुई नहीं। कृषि संगठन रा नेता राकेश टिकायत अनेक थर कहिछंती जे केवल कृषि बिल को हटाई देले आंदोलन थमी जीवनी कि आमे माने केही भी घर को फेरि जीवनी। मृतकंक परिवार भी चातक भली अनै बसछंती, केबे सेमानंकु न्याय मिलिबो? एक अफवाह बड़ी तेजी से चल रही कि सरकार ने बात मान ली किसान घर जा रहे। देखो, ना कोई किसान घर जा रहा है, किसान यहीं पे ही है, वो चाहे कोई से भी बॉर्डर हो। लेकिन अफवाह 2 दिन से बड़ी तेज घूम रही,
अभी एक समस्या का समाधान हुआ, वो समस्या है जो तीन काले कानून थे उसका समापन हुआ। दूसरी थी जो बिजली अमेंडमेंट बिल था, उसकी भी सरकार ने बातचीत आज से 11 महीने पहले करी। एक पुराली वाले पे भी 11 महीने पहले ही बातचीत हुई, अब भी उन्होंने स्पष्ट कहा, और उसी टाइम पे एमएसपी की बातचीत चली थी। तो अभी तीन चीजें हुई, तो एक चीज बाकी है एमएसपी। बहुत लोग और प्रेस में खबरें चलवाते हैं कि एमएसपी नया क्वेश्चन है। एमएसपी नया सवाल नहीं है, एमएसपी तो बहुत पुराना सवाल है, जो एमएसपी पर गारंटी कानून बने। इसी के तहत एक 2011 में कमेटी बनी थी, जिसमें आज के प्रधानमंत्री उस टाइम के मुख्यमंत्री जी होते थे वो उस कमेटी में थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। केवल सेतिक नुहे, जदि सरकार एही कोला कानून को हटाइबार ही थिला ताहले अकारण रे काहे कि चासी मानंकर जीवन गला, एही निष्पत्ति आगरु नेलेनी काहे कि हेले एही सबु प्रश्नर उत्तर केंद्र सरकार को पाखरे बिल्कुल भी नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत मासर 19 तारीख दिन को देश को संबोधित करी एही कृषि कानून को प्रत्याहार करिवार घोषणा करितेले। गुरु पर्व दिन भलो मनोभावरे घर को जीवाकु समस्त चासी को हाथ जोड़ी अनुरोध करथिले प्रधानमंत्री। केवल सेति कि नुहे, कृषि सह जड़ित समस्त दिग उपरे एक कमिटी गठन करा जीवो, से कथार मध्य प्रतिश्रुति देथिले नरेंद्र मोदी। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है, जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तेबे कोला आईन रो उच्छेद बिल को 2 डिसेंबर दिन राष्ट्रपति मंजूरी मिल सारी। संसदर उभय गृह में कृषि आईन उच्छेद बिल गृहीत राष्ट्रपति अनुमोदन पठा जा। राष्ट्रपति एने 2 तारीख दिन स्वाक्षर कर। समस्त कृषि आईन विरोध में चाषी आंदोलन भारत इतिहास एक शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन भाव में भारतर एकता और अखंडता को धर्मनिरपेक्षतार सूत्र में बांधि समग्र देश में एक नुआ आशार संचार सृष्टि करिपारिछि। एहा प्रमाण करिछि जे सांप्रदायिकता शक्ति को परास्त करी संविधान और गणतंत्र को आमे बंचाई पारिबा। जय किसान जय जवान। तो ये तो लिस्ट है, सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है, बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। किसानों की कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण ये है कि आप
थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही, थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते। जब ये शहीद हुए पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे दें। जदि हमर ए वीडियो आपनको भल लागिला ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सारा ओडिसा वासिंक पाखरे हमर ए वीडियो पहुंचांतु। धन्यवाद।